हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी चल रहे हैं करवा चौथ के शॉपिंग के लिए। टाइम बिल्कुल नहीं है, कल है करवा चौथ और आज है। और यहाँ पे पास में मार्केट है, वहाँ पे और लेकर आती हूँ करवा उरवा और जो भी करवा चौथ के सामान, जैसे कि बिछुआ वगैरह लेना रहता है, चांदी सोने का कुछ भी सामान, तो अभी चल रही हूँ वही लेने के लिए। और फिलहाल अभी से मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दूँगी, काम पे जाते हैं सब। तो चलिए फिलहाल ब्लॉग्स में बनी रही, अभी जस्ट बाबू को सुला कर आए हैं, शाम हो गया, सोचे दोपहर में जाएंगे, बट दोपहर तो इसलिए लेट हो गया, लेकिन शाम शाम तक निकलेंगे। चलो कुछ तो ज़रूरत का चीज़ें जो होगा वो पूजा का लेकर आ जाए। तो दली वगैरह में करवा चौथ तो बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। फिलहाल देखते मेरी कहाँ तक तैयारी कम्प्लीट हो पाती है। बाल भी जल्दी जल्दी में कॉम नहीं किए, बस जैसे तैसे क्लचर लगा के आ गए हैं कि बाबू फिर उठ जाएगा तो कुछ करने में नहीं बनेगा। और बस आजकल बाबू की कारण भागम भाग चल रही है, और बाबू की नानी मौसी आई है तो थोड़ा हेल्प भी मिल जा रहा है, वरना तो और भी टाइम नहीं है। बाबू की नाथ मौसी पूरा दिल्ली वाली बन के आ रही है। हेलो है कर लो सरा सर। हेलो कैसे हूँ, बाबू की जो मौसी है पूरा दिल्ली वाली में आ गई हैं। अब चलते हैं हम लोग मार्केट, सामने आप ये भी आने वाले होंगे तो थोड़ा देर बाबू को ये रख लेंगे, तो इसलिए शाम में निकले। दोपहर से प्लान करते करते जस्ट अभी उतरे। मम्मी कहाँ गए? मम्मी को टहलने का मन होगा तो मम्मी पक, और यहाँ पे सोसाइटी में दिवाली का अभी से ही रौनक लग रहा है। देखिए मंगदीप पे चले, सोसाइटी में अभी से ही दिवाली का रौनक एक अलग हो गया है। और ये है शाम का सोसाइटी का व्यू। और मम्मी को यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है कि मम्मी इवनिंग वॉक कर लेती हैं, वॉक के लिए तो यहाँ पर सोसाइटी अच्छा है। चलिए ब्लॉग्स में बने रहिए, करवा चौथ की तैयारी करते हैं साथ साथ। आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मेरे साथ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो अभी कुछ नहीं की हूँ, चलती देखती हूँ क्या क्या मार्केट में कैसे ले पा रही हूँ। चल मम्मी चल पे वो कर रहे, हाँ घोर दुख जाता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे आ गए शॉपिंग करके, और यहाँ पे सबके सूट एक दो लेकर आए, रेड वाला और एक बहन और एक नंद के लिए। तो सोचे कि ये अब जाने वाली है बहन भी, तो सूट दो चार दिन में तो ले लेते हैं, गए थे तो। और बस तैयारी करवा चौथ की, ये रेड सूट ले लिए सोरा, अच्छा लगा मेरे को। और बाकी के सूट ये बहन का है। सो गाइस, तो यही हम लोग शॉपिंग करने गए थे करवा चौथ के, लेकिन सूट पसंद आ गया था तो दो सूट ले लिए थे, जो कि फाइनल पहनने के बोले सिस्टर को कि दिखाओ कैसा लग रहा है। सो ये सूट ब्लू में काफ़ी ज़्यादा, और प्लाजो शरारा में अच्छा लग रहा था। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सूट मेरा पसंद कैसा है। और ये है नंद का। सो फाइनल ये लोग ट्राई कर रहे हैं। Thank you.
सो गाइस, तो यहाँ पे हो गई है परसों शॉपिंग करके रात, तो हम लोग सोचे शॉर्टकट कुछ नाश्ता बना ले। तो यहाँ पे सूजी का जो होता है ना चीला, वो उसमें प्याज मिर्च और टमाटर डाल के करी पत्ता सरसों से हम लोग तड़का लगा दिए थे और उसको चीला बना दिए क्योंकि जल्दी चीला नाश्ता भाई हो यार जाए। सब हो गया ना, देखिए ना। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और ये वीडियो नेक्स्ट डे में कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं नाइट में बाबू रोने लगा था तो मैं जल्दी से शॉप से चली गई थी और कपड़े की शॉपिंग में बहुत ही लेट हो गया था, तो इसलिए मैं उस नेक्स्ट डे मेहंदी लगाने अपने गेट के जस्ट बाहर में मेहंदी लग रहा था, तो करवा चौथ में सब लोग मतलब रोड से एक लाइन से लगाए हुए थे तो लगाने चली गई थी। और ये मेरा फाइनल कुछ मेहंदी लगा है क्योंकि मैं बहुत ही कम डिलीवरी हूँ, तो ये देख सकते हैं। कमेंट करके बताइए आज का मेहंदी कैसा तो मेरा। गाइस, तो फाइनली मेरी मेहंदी लग चुकी है, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथों में। और फाइनली हम रात में करवा चौथ की शॉपिंग करके आ गए थे, फिर बाबू रोने लगा था तो फिर और मॉर्निंग में अभी आके जस्ट अपने गेट के बाहर में सारे मेहंदी लगाने के लिए करवा चौथ स्पेशल लोग लगा रहे थे, तो मैं अभी मेहंदी जस्ट लगाने आ गई हूँ और लगा के अभी जा रही हूँ घर। उसके पहले मैं सारा प्रिपरेशन करके आई हूँ, करवा चौथ का दान का अलग, मम्मी देने सासू माँ को देने के लिए अलग, अपने लिए अलग, वो सारे प्रिपरेशन में क्या क्यों क्या क्या करना चाहिए क्या देना चाहिए वो सारी चल के अभी घर पे दिखाती हूँ। बाकी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन बाकी भी है, वो कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल आप लोग से आगे मिलती हूँ। चलिए ब्लॉग से दूसरे बार करवा ले करा रही हूँ फाइनल, कल भी शॉपिंग की आज भी की हूँ, थोड़ा थोड़ा फूल वगैरह माला वगैरह, और अभी चलती हूँ घर। मेरा टी शर्ट पहना है हरिद्वार का, हरिद्वार का, हरिद्वार का बेटा हूँ, हरिद्वार से लाया हूँ, मम्मा तुमको हरिद्वार से लाई है, महादेव के पास से लाई है। बेटा मेरा आज नहा धोवा के महाकाल का टी शर्ट पहना है। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं जस्ट घर पे आके बाबू को नानी तेल मालिश कर रही थी, तो बाबू को मतलब रेडी कर दी थी, तो मैं फ्री हो जाती क्योंकि घर में नानी दादी रहती है ना, तो थोड़ा होता है कि हेल्प मिल जाता है, बाबू को अच्छे से केयर मिल जाता है, रख लेती हैं। और यहाँ पे सरसों के तेल से लगा के छुड़ाने पर मेहंदी कुछ देर रखने पर लाल हो जाता है, और ये देख सकते हैं बाबू के साथ मस्ती। बेटा कितना प्यारा लग रहा है तुम तो महाकालेश्वर में, कितना प्यारा, कितना प्यारा तुझे रवि, नानी के साथ, नानी के साथ खेल रहे हैं, नानी के साथ पूरा में मेहंदी 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 मामा लगा दी तुम्हारे मुंह में, और तुम तो बाबा धाम का कपड़ा पहन लिया है। हरिद्वार का बेटा हूँ, हरिद्वार से आया हूँ, हरिद्वार से आया हूँ, बाबा ने मुझे लाया। सो गाइस, तो अभी हो गए टाइम 3 बज रही है और यहाँ पे सेवैया बन रही है मीठी वाली। सो ये आज ना मेरे हस्बैंड मिठाई के साथ लच्छे वाली सेवैया लगा ला दिए थे, तो या तो खीर बनता या सेवई, तो यहाँ पे दूध बॉयल करके 1.5 kg दूध था, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के किशमिश और ये इलायची वगैरह डाल के चीनी डाल के हल्का खोला के उसके बाद सेवैया डाल दिए लच्छे वाला, उसके बाद जितने सारे मेवे थे उसको कट करके जो डाल दिए। तो इस तरीके से आज के दिन हम लोग करवा चौथ के दिन सेवैया पूड़ी और खीर कुछ दोनों में से कुछ भी मीठा बनता है और यही भोग लगता है करवा को और गुलगुले गुड़ की। तो फिलहाल यहाँ पे प्रसाद हम लोग बना के सोचे कि बना लेते हैं, उसके बाद फिर पूजा का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस ब्लॉग में मैं फिलहाल सो गाइस, तो यहाँ पे मैं जैसा कि मॉर्निंग में नहा हुआ के गई थी, तो प्रसाद वगैरह बना सकते हैं नहाने वाने के बाद, तो मैं सारा पूजा का सामान निकाल ली थी, बर्तन वगैरह धो ली थी कि क्या होता है ना कि अब साड़ी पहन के कुछ करने में बनता नहीं है, तो इसलिए मैं सारा प्रिपरेशन पहले ही करके रख दूँ ना, तो फ्री होता है, आराम से सिर्फ पूजा करना रहता है। लेकिन ऐसे बार बार उठना बैठने में दिक्कत होता है, बाबू के साथ भी
बीच में बाबू को बीच बीच में रखना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं सारी तैयारियाँ A to Z क्या पहनना है, क्या देना है, क्या लेना है पंडित जी को, क्या पूजा पर रखना है, वो सारे एक एक करके मैं पूरे थाली में रख दी थी सामने कि बस बैठ के पूजा कर पाऊँ, क्योंकि साड़ी पहन के मुझसे उतना हो नहीं पाती है। तो ये है करवा भगवान की फ़ोटो, और ये है दो करवा खरीद के लेकर आए थे हम मटके का, और करवा के किताबें दिया बत्ती जो भी होती है पूरे प्रिपरेशन। एंड उसके बाद मैं सारी ज्वेलरी एक्सेसरीज निकाल ली थी मम्मी के देने के लिए, सो आप देख सकते हैं। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो साड़ी मेरी मम्मी लेकर आई थी पहनने के लिए बाबू के नामकरण में, बट मैं नहीं पहनी थी क्योंकि लाइट कलर का उस दिन साड़ी पहनी थी, और ये करवा चौथ के लिए रख ली थी क्योंकि ये डार्क में था। तो बस और मेरी सारी तैयारी हो गई है। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट बताइए, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग 2-3 करवा भर देते हैं ताकि सब अपने से बड़े लोगों को देना रहता, जैसे सास को, जेठानी को। सो गाइस, तो यहाँ पे मेरा पूरा तैयारी हो चुका है, मेहंदी जस्ट पिज्जा छोड़ के धोए हैं पानी से, और अब मैं चलूँगी नहाने। फिलहाल यहाँ पूजा का नीचे भी मैं करूँगी, यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह क्योंकि पूजा कर रख के, और यहाँ पे मैं दान का सामान जो भी होता है हम लोग सासू माँ को देते हैं, बहुत लोग ही देते हैं। और ये चालन मेरे पति जी सुबह सुबह मंगा लिए हैं नए वाले, सो आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन मंगाए हम, और ये देख सकते हैं ये चालन, और ये ग्लास, और ये थाली पूजा के लिए, और ये है पंडित जी के देने के लिए सारा सामान जो भी अवेलेबल मेरे पास समझ में आया, जो भी था अभी 16 श्रृंगार का वो मैं रख दी, और बाकी के ये सारे जो भी था परफ्यूम कल मेरे पतिदेव जी लाए थे तो रख दिए। ये है तेल, और जो भी मैं यूज़ के सामान जो यूज़ करती हूँ ये है इधर पंडित जी को देने के लिए, और ये सूट मैं दान करूँगी फिर पूजा चढ़ाने के बाद मैं पहनूंगी। और ये है चुंदरी मेरा, ये है मेरी सासू माँ के लिए पूरा चादर निकाल दिए हैं, और ये मैं आज ज्वेलरी एक्सेसरीज इयर रिंग्स चौकर सारी चीज़ पहनने वाली हूँ। और ये है इधर मिठाइयाँ वगैरह पतिदेव सुबह सुबह मंगाए हैं, ये सारे हल्दी लड्डू और केला जो भी होता है दो चार रंग के फ्रूट्स रखते हैं। और ये है मेरा शादी वाला सिंगूरा, सो इससे ही हम सिंदूर करेंगे आज लगाएंगे। तो ये है मेरा पूरा प्रिपरेशन रेडी, तो आई होप अब नेक्स्ट ब्लॉग एंजॉय करेंगे। ज्योति इस बार मेरे को हेल्प करा रही हैं, और इधर बना रही हैं ज्योति, क्या बना रही हैं, गुलगुल्ला नहा धोवा के ज्योति किचन साफ करके बना रही हैं इधर गुलगुल्ला, क्या बना रही ज्योति, घूर में बना रही हूँ चीनी में मम्मी का, तो ये है गुड़, और इसमें क्या मिला है गुड़ और आटा, गुड़ आटा मिला के मिक्स करके थोड़ा देर फूलने के लिए छोड़ के, और उसके बाद ये रिफाइंड में या घी में इस तरीके से छान देना रहता है, ये हम लोग में करवा में भराता है ये। तो ज्योति अभी नहा ली थी, टाइम हो रहा है 3 बजने जा रहा है, तो ज्योति बोली लाओ मैं आज कर देती हूँ। और इधर बनाई है सेवैयाँ, सेवैयाँ सेवैयाँ खानी है, तो मेरे को सेवई ज़्यादा पसंद आता है खीर से ज़्यादा, तो मीठा कुछ भी बनता है सेवई या खीर, तो यहाँ पे खीर ही बना है, सेवई ही गुलगुले बनता है, वही करवा में बड़ा भराता है। और नहीं तो मिठाई वगैरह लड्डू वगैरह बतासा जितने मतलब स्वीट्स ला सकते हैं, लेकिन ससुराल से शुरू से स्टार्टिंग हम लोग गुलगुले से ही किए थे आटे के, तो उसी से मिठाई रहे ना रहे, गाँव में मिले ना मिले, इसलिए मम्मी गुड़ से ही गुलगुले से, हाँ रस नहीं है गुलगुले से करना है, और पूरी खीर या पूरी सेवैया बनना है। तो फिलहाल यहाँ पे सारा प्रिपरेशन मेरा A to Z रेडी है। एक मैं मेहंदी लगाने गई थी, वहाँ पे एक जो मेहंदी लगाई थी आई थिंक आप लोग देखे हैं ब्लॉग्स में, तो अभी इससे पहले तो वो शायद बोली कि मैं भाभी मैं मेकअप अच्छा करती हूँ, मेकअप करती हूँ, अगर मेरे से करवाना चाहिए तो मैं घर पर आकर कर दूँगी, फिलहाल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है बाबू की वजह से मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा पाऊँगी, बट वो बोली है कि भाभी मैं घर पर आ जाऊँगी, देखते हैं अगर वो आ जाती है तो उससे मैं करवा लेती हूँ, करवा लूँगी, वरना मैं खुद से रेडी, क्योंकि बाबू के साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बाबू है, उसके बाद ही सब कुछ है। तो फिलहाल अभी के लिए अभी कॉल करके देख लेते हैं, सारे 4 का टाइम लास्ट दिए हुए हैं, और गुलगुला ज्योति का बात करते करते रेडी हो गया। और ये गुड़ का ना गुलगुला ठेकुआ जैसा टेस्ट आता है, बिहार की फेमस डिश बोलते हैं ठेकुआ और गुलगुला, ये सब तो सोना सोना गुड़ में बहुत टेस्टी लगने वाला है। और ये एक गुलगुला एक भर के करवा में एक सासू माँ को जाता है, एक पंडित जी को जाता है, एक बच्चे लोग को बांटते हैं, ऐसे कट करके करवा में 2-3 भरते हैं, या कटोरा में भी रखते हैं, एक में पूरा में पूरा खाना निकल जाएगा, खीर सेवई सारी चीज़ मीठे, और वो सब प्रसाद के रूप में सबको दिया देना रहता है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, जितना आपके पास जितना पॉसिबल हो सके जितना जुड़ सके 16 सिंगार उतना ले। कल मैं बिछिया भी लेकर आई हूँ 4 बिछिया, उसी में वहीं पर रखा हुआ है, मैं अभी दिखाती हूँ। तो फिलहाल मैं अभी गोल्ड नहीं लेकर आई थी, बिछुआ ही लेकर आई थी, चांदी सोना में से कुछ भी खरीदना रहता है तो लेकर आई थी, बाकी हस्बैंड का पता नहीं, वो लेकर आ भी सकते हैं, हम लोग फिलहाल हो गए हैं ऑफिस, और मैं इसको धो दूंगी, और इसमें मैं फ्रूट्स वगैरह धो के रख देती हूँ, और फाइनली सोच रही हूँ बाबू को सुला दी हूँ, जस्ट बाबू भी आज फिटिंग करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है वो, तो कैसे मैनेज करके सुला के आई हूँ, क्योंकि कुछ आज सही से हुआ नहीं था फास्ट में, छोटा बच्चा में फास्ट करने में बनता नहीं है, बट ये होता ना कि पूजा बहुत पहले से सोचते नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट आज टाइम आते लगता है कि कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, कैसे भी मैनेज कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं रात में एक छेना वाला मिठाई खा के 1-2 बजे सो गई थी, पानी पीने की शरबत बना के, ताकि बाबू को फिटिंग करवा पाऊँ। तो अभी वो फिलहाल अब तो टाइम 4 बजने वाला है, 2-3 घंटा का बात है, बाकी उसके बाद तो फिर खा लूँगी, चांद को देखने के बाद मीठा खा लेते हैं हम लोग, नमकीन नहीं खाते हैं।
तो खिला देंगे, उसके बाद फिर चांद को देख लेंगे, उसके बाद खाना मीठा खा लेंगे, नमक नहीं खाते, उसके बाद फिर जो बड़े से आशीर्वाद लेते हैं वो करते हैं, उसके बाद आगे ब्लॉग ये वाले पार्ट टू ब्लॉग फिर स्टार्ट करेंगे, फाइनल करवा चौथ का फाइनल लुक का। तो आई होप आप लोग इस ब्लॉग्स को प्यार देंगे एंड एंजॉय करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मम्मी क्या कर रही हो, मम्मी क्या कर रही हो, तुमको शंकर भगवान के फिर से पाँच को जाओगे ना, तो सूरज भगवान, सूरज भगवान भोलेनाथ के पांच को, माता मैया जी के पांच, दूध को करके पांच को गाद गाद सूरज भगवान का चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, आप खाए हो थाली में, ऐसे गाते पकड़े करने से बोल बात कर लेते हैं।